अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास और नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर थ्री बायोडाइवर्सिटी, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को डिटेल से डिस्कस किया। आई होप आपको उस वीडियो की अच्छे समझ आई होगी। ओके, तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है दैट इज डिफोरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे डिफोरेस्टेशन क्या होता है और ओवर हंटिंग क्या होती है। अगर हम डिफोरेस्टेशन को देखें तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, डी मीन एब्सेंट। तो क्या होता है डिफोरेस्टेशन का क्या मतलब है कि वो जगह जहाँ पे फॉरेस्ट की कटिंग हो जाए उसको क्या कहते हैं, डिफोरेस्टेशन। कि अगर किस जगह पे फॉरेस्ट की कटिंग हो रही है तो उसको कहते हैं डिफोरेस्टेशन। ठीक है, तो मतलब हमने ये देखना है कि फॉरेस्ट की कटिंग के क्या क्या कॉजेज होते हैं, क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं और वो किस तरह से हमें इफेक्ट कर सकती है। उसके बाद हम ओवर हंटिंग को देखें क्योंकि ओवर हंटिंग क्या चीज होती है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम डिफोरेस्टेशन को देखें तो डिफोरेस्टेशन जैसे कि मैंने आपको बताया दरख्तों की जो कटाई होती है उसको क्या कहते हैं, डिफोरेस्टेशन। मतलब किसी जगह से फॉरेस्ट को खत्म कर देना क्या होता है, डिफोरेस्टेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड। मतलब कि हमने क्यों फॉरेस्ट को कटिंग करना है, तो तभी फॉरेस्ट को कटिंग किया जाता है जब हमें या तो उसकी लकड़ी की जरूरत होती है या हमें जिस जगह पे फॉरेस्ट होते हैं उस जगह की जरूरत होती है। वहां पे बिल्डिंग वगैरह जब बनती है तो मोस्टली जो है फॉरेस्ट को कट कर दिया जाता है। तो ये होगी फॉरेस्ट की डिफोरेस्टेशन की डेफिनेशन। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं कि डिफोरेस्टेशन की क्यों जाती है। ओके, अब हम काजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन देखें तो कई डिफोरेस्टेशन की क्यों जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया तो डिफोरेस्टेशन बहुत जो है पर्पजेज होते हैं इसको फॉरेस्ट को कट करने के। तो अब देखते हैं यहाँ पे समटाइम्स देयर इज अ स्लो डिग्रेडेशन एंड समटाइम्स सडन चेंज एंड कैटास्ट्रोफिक क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डेवलपमेंट्स। कुछ कहते हैं कभी कभी तो होता है स्लो डिग्रेडेशन होती है, कभी कोई दरख्त कट गया, कभी किसी दरख्त की कटिंग हो गई, तो लेकिन एक टाइम पे क्या आता है कि वो अचानक से पूरे की पूरी लैंड को ही क्लियर कर देते हैं, वहां से फॉरेस्ट को पूरे के पूरे फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्यों करते हैं, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, कि शहरों में जब डेवलपमेंट तरक्की बहुत ज्यादा होती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उन्हें अपने रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। ठीक है, ज्यादा जगह चाहिए, ज्यादा चीजें चाहिए, वुड ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो डिफोरेस्टेशन स्टार्ट कर देंगे, मतलब ट्रीज की कटिंग स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद क्या है, डिफोरेस्टेशन कैन बी द रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर वुड और अर्बन डेवलपमेंट के, जरात के लिए भी हो सकता है कि वहां पे कोई प्रोसीजर स्टार्ट करना है, लकड़ी हमें चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट के शहरों की तरक्की के लिए भी डिफोरेस्टेशन की जा सकती है। उसके बाद अगर हम देखें इसके इफेक्ट्स देखें कि डिफोरेस्टेशन के क्या इफेक्ट होते हैं, तो बहुत सारे इफेक्ट डिफोरेस्टेशन के हो सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे फॉरेस्ट क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। जब फॉरेस्ट नहीं होंगे तो ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट से कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, तो जो है वो तो भी हमारे लिए रिस्क डैमेज, हमारे लिए डिसएडवांटेज है इसका। और अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो दरख्त क्या करते हैं, जमीन को मजबूती से अपनी जगह से पकड़े रखते हैं। जब वहां से दरख्त ही उखाड़ दिए जाएंगे तो सॉइल में इरोजन पैदा हो जाएगा, जमीनी कटाव का शिकार हो जाएगी, जिसकी वजह से वो जमीन फिर काश्तकारी के काबिल नहीं रहेगी। तीसरा क्या होता है कि जब फॉरेस्ट की कटिंग हो जाती है तो फॉरेस्ट की कटिंग के दौरान जब फॉरेस्ट कट हो जाते हैं वहां से जमीन क्लियर हो जाती है, तो जब बारिश वगैरह होती है तो वहां से सारी मिट्टी और रेत जो है वो बहके समुद्रों में जाती है, दरियाओं में जाती है। तो जब वहां पे पानी जो है वो मिट्टी और रेत का जहां जब तह लग जाएगी तो वो भर जाएंगे, जब भर जाएंगे तो फ्लड का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं डिफोरेस्टेशन अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। पानी में जमीन में पानी की मकदार को भी जो है वो अफेक्ट करती है। इसके अलावा हमारे इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर होते हैं उसको भी इफेक्ट करती है। ऑब्वियसली बात है, जब हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होगी, तो मॉइस्चर में बहुत ज्यादा जो है वो डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, वेन देर इज नो ट्रीज टू कीप सॉइल इन प्लेस देर आर मोर चांसेस टू सॉइल इरोजन। कि जब जमीन में दरख्त नहीं होंगे तो दरख्त क्या करते हैं, जमीन को अपनी जगह से मजबूती से पकड़े रखते हैं अपनी रूट्स के थ्रू। ठीक है, तो जब दरख्त नहीं होंगे तो वहां पे सॉइल इरोजन के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। उसके बाद क्या, हैवी रेनफॉल वॉशी सॉइल इन टू द रिवर्स। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो मिट्टी जो है वो दरियाओं में चली जाती है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वॉश्ड आउट ऑफ सॉइल, और जब मिट्टी दरियाओं में जाती है उसके साथ साथ जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी जमीन से खत्म होते जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब दरियाओं में पानी मिट्टी और रेत चली जानी है तो क्या होगा, वो भर जाएंगे। रिवर्स बिकम चोक्ड अप विद मड एंड सिल्ट
विच कैन कॉज फ्लड्स, ठीक है, कि दरिया जो है फिर वो भर जाते हैं मट्टी और जो रेत से, तो इसकी वजह से फ्लड्स के भी बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं, ठीक है, रिस्क होता है उसका भी. द सिल्टेड वाटर गेट्स स्टोर्ड इन डैम्स एंड इट रिड्यूसेस द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी. जब मट्टी रेतला पानी दरियाओं में जमा हो जाएगा, डैम्प में जमा हो जाएगा, तो वहां पे पानी के स्टोर होने की जगह कम होती जाएगी, क्योंकि मट्टी जो है वो नीचे बैठती जाएगी और मट्टी की सारी अंदर नीचे एक मोटी सारी तह बना देगी, जिसकी वजह से पानी वहां पे कम होना शुरू हो जाएगा. ओके, इसके बाद क्या है, इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज ट्रांसपिरेशन. ठीक है, डिक्रीज ट्रांसपिरेशन कैसे होगी, कि जब हवा में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, ऑक्सीजन कम होगी, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगी. ठीक है, ऑब्वियस बात है, ट्रांसपिरेशन तब भी होती है जब प्लांट्स होंगे. ठीक है, जब प्लांट्स होंगे तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगी. विच लेसन्स क्लाउड फॉर्मेशन, जब ट्रांसपिरेशन नहीं होगी, अभी बुखारात नहीं बनेंगे, हवा में बादलों में नहीं जाएंगे तो बादल नहीं बनेंगे. दिस अल्टीमेटली रिड्यूसेस द सोर्सेज ऑफ रेन, जिसे बारिश भी बहुत कम हो जाती है. दिस अल्टीमेट रिड्यूसेस द सोर्स ऑफ द रेन, क्या होता है उससे फिर बारिश के जो रिस्क होते हैं, सोर्सेज होते हैं, वो कम हो जाते हैं. ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन. अब हम इसके इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है. फॉरेस्ट स्पोर्ट कंसिडरेबल बायोडाइवर्सिटी, के बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी जो है लाइफ की फॉरेस्ट में जो है वो सर्वाइव कर लिए, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स बहुत ज्यादा वहां पे रहते हैं. द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग टिम्बर एंड फ्यूल वुड हैव प्लेड अ की रोल इन ह्यूमन सोसाइटीज. अब जो टिम्बर है ये फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज किया जाता है और जलाने की लकड़ी भी यूज की जाती है, तो ये दोनों जो है फॉरेस्ट इस लिहाज से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. टूडे डेवलप्ड कंट्रीज यूटिलाइज टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर. जो डिवेल्प कंट्रीज है, मतलब जिन जो कंट्रीज है वो डिवेल्प हो चुके हैं, उन्होंने तरक्की याफ्ता जो मुल्क हैं, जो तरक्की कर चुके हैं, वो क्या करते हैं, टिम्बर को यूज करते हैं अपने घर बनाने के लिए. मतलब कि बहुत ज्यादा जो लकड़ी होती है, टिम्बर की जो लकड़ी थी बहुत महंगी होती है, ठीक है, इसको अपने घरों के लिए यूज करते हैं. और जो लकड़ी का एक गुद्दा सा होता है उसको बना के पूरा पल्प बना देते हैं, पाउडर्स बना के उसका फिर एक पेस्ट बनाते हैं, वो क्या करती है, पेपर बनाने में यूज की जाती है. ओके, अब उसके बाद क्या है, द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री इज अ लार्ज पार्ट ऑफ इकोनॉमी इन डेवलपिंग एंड ऑल्सो इन डेवलप्ड कंट्रीज. कि जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, कि वो इंडस्ट्री जहां पे फॉरेस्ट जंगलात से बनाई गई चीजों को सेल किया जाता है या उनको बनाया जाता है वहां पे, तो वो भी हमारे बहुत ज्यादा इकोनॉमी में हमारी हेल्प करते हैं, मतलब कि मुल्क की मौशियत में बहुत ज्यादा हमारी जो ज़राअत है हमारी हेल्प करती है. ओके, जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ठीक है, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, तो इसके इस लिहाज से पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है. उसके बाद अगर हम देखें, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन मेड बाय कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर ऑफन लीड्स टू लॉस ऑफ लॉन्ग टर्म इनकम. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम कुछ अरसा के लिए अपनी इनकम इंक्रीज करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, फॉरेस्ट की कटिंग स्टार्ट कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हमें बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हमें इनकम नहीं मिलती या हमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है हमारी इकोनॉमी, ठीक है, क्योंकि जब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब फॉरेस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पे फॉरेस्ट इतने तेजी से ग्रो नहीं करते, तो जब वहां से प्लांट्स को कट कर लिया जाता है तो नए प्लांट्स ग्रो करने में टाइम लगता है और इसलिए इकोनॉमी में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है. फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर, दस कंट्रीब्यूटिंग टू बायोस्फीयर स्टेबिलिटी. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फॉरेस्ट क्या करते हैं, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं और दूसरे पोल्यूटेंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एनवायरमेंट है वो नीट एंड क्लीन रहते हैं. फॉरेस्ट आर ऑल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन. मतलब कि फॉरेस्ट जहाँ पे आप देखेंगे, कोई भी हम सब्जी वाले इलाके में चले जाएं, बहुत ज़्यादा हमें वो खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आता है, ठीक है, जैसे मरी सवाद सवाद वगैरह जहाँ पे पहाड़ी इलाके होते हैं, वहाँ पे जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती, तो वो हमें जो होते हैं वो रीजन्स होते हैं हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है. इसके बाद अगर हम देखें डिफॉरेस्टेशन एज अ थ्रेट, कि डिफॉरेस्टेशन हमारे लिए किस तरह से नुकसान है. इन पाकिस्तान डिफॉरेस्टेशन इज अ ग्रेट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कि जब ऑब्वियसली बात, जैसे मैंने आपको पहले बताया इस इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में, सबसे पहले पॉइंट हमने पढ़ा था फॉरेस्ट क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी के लिए एक खतरा होगा, उन्हें वहां से मूव आउट करना पड़ेगा या उनकी डेथ हो जाएगी. इन केपी के द क्लोज कैनोपी फॉरेस्ट श्रिंकिंग एट अप्रोक्सीमेटली 1% पर ईयर. वहां पे एक फॉरेस्ट है जिन्हें क्लोज कैनोपी, मतलब उनकी शेप इस तरह से बनाई गई, बहुत खूबसूरत है वो,
और जब वो श्रिंक किए जाते हैं, उनको डिफोरेस्टेशन वहां पे की जाती है, तो उनकी जो फॉरेस्टेशन है उसमें बहुत ज्यादा कमी आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट पे देखते हैं ओवर हंटिंग। ओवर हंटिंग क्या होता है? ओवर हंटिंग का मतलब है जानवरों का जरूरत से ज्यादा उनकी हंटिंग करना, उनका शिकार करना। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कि जितना ज्यादा हंटिंग स्टार्ट हो जाएगी उतने ज्यादा जानवरों के एक्सटिंक्शन या उनके इंडेंजर्ड होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। ठीक है, तो इसमें यही देखते हैं। ओवर हंटिंग हैज बीन अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड ऑफ स्पीशीज एंड द इंडेंजरमेंट ऑफ मेनी मोर सच एज, मतलब कि बहुत ज्यादा स्पीशीज इससे एक्सटिंक भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है। जो पहले से थोड़ी अगर हम उनकी हंटिंग करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगी, और कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जिनकी स्पीशीज बहुत कम होती हैं, तब उनको अगर हम जो है वो हंटिंग करेंगे तो उनकी उनके इंडेंजर होने का खतरा है, मतलब कि वो एक्सटिंक की तरफ जा सकती हैं। हम अगर इंडेंजर स्पीशीज की बात करें तो वो आती है हमारे पास वेल्स, आईबैक्स, यूरियल, मारखोल। मारखोल क्या है? हमारे नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? मारखोल। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिफोरेस्टेशन और ओवर हंटिंग को पढ़ा। हमने डिफोरेस्टेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ी, उसकी फॉरेस्टेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ी, डिफोरेस्टेशन के कॉजेज पढ़े, उसके इफेक्ट पढ़े, तो लास्ट में हमने ओवर हंटिंग को डिस्कस किया। आई होप आपको आज की वीडियो की अच्छे समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।